सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई चर्चा के साथ, और सर्वप्रथम तो आप सभी को श्री जानकी नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधा वल्लभ लाल, श्री सीताराम सरकार की कृपा हम आप सभी पर बनी रहे, और इसी प्रकार से हम सभी के धर्म में श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में, जानकी जी के श्री चरणों में हम सभी का प्रेम बना रहे। कहते हैं कि कभी जब कोई उत्सव रहता है तो उस उत्सव में जो उत्सव की कथा होती है उस कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। तो आज तो हमारे श्री जानकी जी का प्राकट्य उत्सव है, तो हम सभी थोड़ी चर्चा करेंगे श्री जानकी जी के अवतार की कथा के विषय में और श्री जानकी जी की कृपा के विषय में श्रवण करेंगे। तो सर्वप्रथम हम श्री जानकी जी के अवतार की कथा श्रवण करते हैं, तो उसमें कई सारे मत दिए हुए हैं, जिसमें एक मत आता है रामायण अनुसार कि एक बार जनकपुरी में जब वर्षा नहीं हो रही थी, मिथिला में वर्षा नहीं हो रही थी, तो ऋषियों ने श्री शिरध्वज जनक जी से कहा। अब ये जो कई लोगों के मन में ये होता है कि जानकी जी के पिताजी जो हैं उनका नाम जनक है, परंतु जनक किसी का नाम नहीं है, जनक एक पदवी है। श्री जानकी जी के, सीता जी के जो पिताजी हैं उनका नाम शिरध्वज है। तो शिरध्वज जनक जी ने ऋषियों से पूछा इसका क्या कारण है, तो ऋषियों ने कहा कि इस समय कुछ ऐसा योग बना हुआ है, इसीलिए आप पूजन करके, हल का पूजन करिए और खेतों में आप हल चलाइए जिससे देवराज इंद्र आपसे प्रसन्न हो और राज्य में वर्षा करें। वर्षा कई दिनों से हुई नहीं थी, तो उसके बाद पूजन हुआ, यज्ञ हुआ और श्री जनक जी ने, शिरध्वज जनक जी ने हल चलाया। अब हल चलाते समय उनका हल जाकर के भूमि में कहीं टकराया, तो फिर उसके बाद कोई वस्तु थी तो उन्होंने सेवकों को आदेश दिया यहाँ पर खुदाई किया जाए। अब जब खुदाई किया गया तो वहाँ पे कलश मिला और उस कलश में श्री जानकी जी विराजमान थी। तो उस समय हल को सीत कहते थे, तो सीत के अग्र भाग का स्पर्श होने, क्योंकि उस कलश में विराजमान थी जानकी जी, तो उस सीत का अग्र भाग उस पर लगा था, इस कारण से जानकी जी का नाम सीता पड़ा। बोलिए सीता मैया की जय। और इसके अलावा एक कथा और आती है कि एक वेदवती नाम की ऋषि कन्या हुई है, ये कुशध्वज नामक ऋषि की कन्या हुई है, तो ये पूर्व जन्म में ऋषि कन्या थी, ये भगवान विष्णु को अपना पति बनाना चाहती थी, तो इन्होंने बड़ी कठोर तपस्या भी की थी। पूर्व में तो इनके घर वालों ने विरोध किया, कहाँ भगवान विष्णु को प्राप्त कर पाओगी, लेकिन बाद में सबने स्वीकार कर लिया और सबने स्वीकार करके इनकी बात मान ली और इन्हें घर में रख लिया। तो कहते हैं कि एक बार एक असुर इन पे मोहित हुआ था, तो इन्होंने विवाह के लिए मना कर दिया, तो इनके असुर ने इनके माता पिता का वध कर दिया। तब वेदवती जी अकेले रह के भगवान का भजन करने लग गई। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के इन्हें वरदान भी दिया था, तो इन्होंने कहा मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। भगवान ने कहा देखिए इस जन्म में तो आप हमें नहीं प्राप्त कर पाएंगे, परंतु हाँ अगले जन्म में आप हमारी अर्धांगिनी बनेंगे। तो एक बार ये जब ध्यान में लग्न थी, भगवान विष्णु का ध्यान कर रही थी, उसी समय क्या हुआ कि राक्षस राज रावण वहां से गुजरा। अब रावण कामी स्वभाव का है ही, तो रावण ने जब देखा इनके स्वरूप को तो वो मुग्ध हो गया इनसे और इनके केश पकड़ के खींचते हुए ले जाने लग गया। दुष्ट तो था ही वो, तो वेदवती जी उस समय बड़ी क्रुद्ध हुई और क्रोधित होकर रावण को शाप दे दिया, अरे दुष्ट तुमने मेरे केश पकड़ के मुझे जबरदस्ती ले जाने का प्रयास किया, इसलिए जाओ मैं तुम्हें शाप देती हूं, एक दिन मैं ही तुम्हारे संहार का कारण बनूंगी। ऐसा शाप देकर के श्री वेदवती जी ने तुरंत अग्नि समाधि ले ली, अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। एक मत अनुसार कहते हैं कि जब जानकी जी का हरण होने वाला था तो उस समय राम जी ने क्या किया था कि जानकी जी को अग्निदेव को समर्पित कर दिया था, और अग्निदेव ने जो छाया सीता जी का निर्माण किया था वो छाया सीता जी कोई और नहीं, ये वेदवती जी ही थी जो अग्नि के माध्यम से प्रकट हुई और फिर वही रावण के संहार का कारण बनी है। उन्हीं जो वेदवती जी जो छाया सीता बन के आई थी, रावण ने उन्हीं का हरण किया, वही लंका में गई हैं, लंका में रही हैं, और फिर जब पुनः अग्नि परीक्षा हुई है
तो जो मूल सीता जी थी वो आ गई हैं। लेकिन इनका भाव तो था ही कि भगवान के मर्धांगिनी बने, यद्यपि राम जी ने पूरा भी किया इनका, लेकिन फिर भी इनकी भाव को और पूर्ण करने के लिए बाद में ये आकाश नामक राजा ने जब यज्ञ किया था तो उस समय ये प्रकट हुई थी, कमल के फूल पे ये प्राप्त हुई थी, कमल के पुष्प पे ये प्राप्त हुई थी और स्वर्ण सी आभा इनके शरीर की। तो उस समय इनको देख करके महाराज बड़े प्रसन्न हुए। तो फिर इन्हें जब लेके आने लगे तो आकाशवाणी हुई कि हे राजन, ये आपकी ही कन्या है, आप इनका पालन पोषण करें और ये साक्षात माता लक्ष्मी की अंश है। तब उन राजा ने इनका पालन किया है और इनका नाम पद्मावती पड़ा है। और यही पद्मावती जी भविष्य में जाकर के भगवान वेंकटेश के साथ, भगवान वेंकटेश ने इन्हें स्वीकार किया श्रीहरि वेंकटेश जी ने, और इस प्रकार से वेदवती जी के भाव को श्री ठाकुर जी ने, श्री भगवान विष्णु ने स्वीकार किया है। इस प्रकार से अनेकानेक कथाएं हैं। तो हमने विचार किया कि आज जानकी जी का प्राकट्योत्सव है, तो कहते हैं कि भक्तों के लिए सबसे बड़ा उत्सव तब होता है जब ऐसे कोई दिव्य उत्सव आते हैं और उन उत्सवों में जब सत्संग प्राप्त हो जाए। तो यद्यपि हमारी वो अवस्था नहीं है कि उस रस को हम प्राप्त कर सकें कि कथा सुने वही छवि हमारे सामने आ जाए, परंतु हाँ हम चिंतन तो अवश्य कर सकते हैं। और हमारे जानकी जी तो इतनी कृपालु हैं, कहते हैं वृषभानु की किशोरी बुत गैया भूते भोरी। हमारी जानकी जी, हमारे श्री जी तो गाय से भी भोरी हैं। कभी श्री जानकी जी कृपा कर देंगे, श्री जी की कृपा होगी तो ये रस हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। बस यही इच्छा अपने हृदय में रखिए। और श्री जानकी जी का आज उत्सव है तो खूब धूमधाम से मनाइए, श्री जानकी जी को सुंदर सुंदर पदों का श्रवण कराइए, जानकी जी की खूब सेवा करिए। और मैं यही निवेदन करता हूँ कि हे सीताराम सरकार, आप ऐसी ही कृपा बनाए रखिए कि हम सभी सनातनियों के हृदय में सदैव आपकी भक्ति निवास करे और संपूर्ण जीव जगत पे आपकी कृपा खूब बनी रहे। और इसी के साथ पुनः आप सभी को जानकी नवमी की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। और अपनी वाणी को विश्राम देने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, यदि आपके आसपास कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो, तीर्थ स्थल हो, भगवान की लीला स्थली हो, जिसके विषय में आप चाहते हो कि अधिक से अधिक लोग जाने, तो वहां की संपूर्ण जानकारी, वहां का जो भी इतिहास हो वो लिख करके हमारे ईमेल आईडी पर मेल करें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। हम शीघ्रातिशीघ्र प्रयास करेंगे कि वहां पे भी एक वीडियो बनाएं, उस क्षेत्र के विषय में एक वीडियो बनाएं और वहां की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। बोलिए श्री सीताराम सरकार की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम।